सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं जिसके बारे में हमसे हमारे व्यूवर्स लगातार पूछ रहे हैं और वो जानकारी है प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंदर जो हमें बैंक्स या जो भी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्थाएं हैं जो हमें लोन दे रही है उनके बारे में जानकारी की कि हम किस तरह से प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंदर जो बैंक्स या प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके बारे में हम कैसे पता करें, उनकी लिस्ट हम कैसे देखें। तो इसी बारे में ये वीडियो है ताकि आपको ये पता चल सके कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लिए आप किन बैंक के किन संस्थाओं से जाकर आप मिल सकते हैं और अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ध्यान से देखिएगा ताकि आप ठीक से इस लिस्ट का पता कर सकें और अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउज़र को आप ओपन कर लीजिएगा और जैसे आप अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है लिस्ट ऑफ बैंक्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ बैंक्स लिंक्ड LINKED लिंक्ड विद PMAY। देखिए आपको पहले नंबर पे दिख रहा होगा लिखा हुआ लिस्ट ऑफ बैंक्स लिंक्ड विद PMAY, ये आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो आपको ये ही टाइप करना है और इसको आप ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्राइवेट साइट्स बहुत सारी हैं, आप यहाँ पे भी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी इन साइट्सों के ऊपर भी। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक ये लिंक दिख रहा है www.mhupa.gov.in PLI 3108 2016। तो एक PDF डॉक्यूमेंट है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूरी लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। आप घबराइए मत, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दूंगा और आप वहाँ से भी इसका लिंक जो है वो देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए इस लिंक के ऊपर, तो एक PDF फाइल यहाँ पर ओपन होगी जिसके अंदर सारे बैंक्स या जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं या जो भी आपको इधर से PM प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंदर जो लोन दे रहे हैं या जिनसे आपको लोन मिल सकता है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लिए बैंक हमें लोन ये दे रहे हैं। आप देखिए कितने हैं, जो 7127 टोटल 201 प्राइवेट और सरकारी संस्थाएं हैं, 201 जो हमें लोन प्रोवाइड करेगी। तो ज़रूरत है बस हमें ये जानने की कि वो कौन से बैंक या कौन सी संस्थाएं हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे ही नीचे जाएंगे तो ये है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ की लिस्ट और ये 71 है, मतलब 71 ऐसी फाइनेंस कंपनीज है जो हमें इसमें इस योजना में हमें लोन दे रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस है, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस है और इस तरह आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी हैं। और अब बात करते हैं दूसरी, तो वो देखिए अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। जैसे आप नीचे जाएंगे देखिए अब यहाँ पर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं प्राइवेट बैंक्स हैं यहाँ पर उनकी लिस्ट है, जैसे कि इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, लगभग जितने भी बैंकों के नाम हमने सुने होंगे वो सारे ही बैंक इन लिस्ट के अंदर हैं। उसके बाद आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, देखिए इसके अंदर एक्सिस बैंक, DCB बैंक, ICICI बैंक, मतलब सरकारी बैंकों के साथ साथ प्राइवेट जो बैंक हैं वो भी हमें इस योजना के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि सरकारी योजना है तो हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। उसके बाद चलते हैं तो देखिए रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक हैं वो भी हमें इसमें लोन देते हैं। आपके यहाँ पर भी अगर आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के बैंक्स मिल जाते हैं, जैसे इलाहाबाद UP ग्रामीण बैंक है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक और भी वगैरह वगैरह। तो आप इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको लोन की फैसिलिटी मिल रही है। अगर एक जगह से आपको मना करते हैं आप दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं। ये कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, मतलब जो एक सोसाइटी बना के रखते हैं, ये उस तरह की सोसाइटीज़ होती हैं, इनके अंदर भी आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है वो तरीका कि किस तरह से हम सारा लिस्ट देख सकते हैं और यहाँ पर उसके सामने आपको उनके वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक लिंक दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पर अगर आप टच करेंगे, बहुत से लोगों को पता नहीं होता डिस्क्रिप्शन में कैसे देखना है,
तो जैसे आप चैनल अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप इस तीर के निशान पे अगर टच करेंगे तो एक नीचे पेज खुलेगा, उस पेज में देखिए लिखा होगा यहाँ पर, तो वहाँ पे लिखा होगा, ये लिंक के बारे में मैं लिख दूंगा कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना में बैंकों की लिस्ट आप यहाँ से देखें, तो आपको ब्लू कलर की नीले रंग के एक अक्षरों में कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आपको वहाँ पर टच करना है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वहाँ पर जैसे आप टच करेंगे तो सीधे आप इसी पेज पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आप सारी लिस्ट इन बैंक्स की या संस्थाओं की देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में जुड़े हुए बैंक्स जो हमें लोन दे रहे हैं या दे सकते हैं कैसे उनकी लिस्ट हम देखें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ये लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटी के निशान पर ज़रूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।